This problem has been asked in CBSE 2002. CBSE 2002 compartmental. Right? You write, solve the following system of linear equation graphically. 3x plus y minus 11 is equal to 0. 3x plus y minus 11 is equal to 0. And x minus y minus 1 is equal to 0. CBSE 2002 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कंपार्टमेंटल में. यू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. 3x plus y minus 11 is equal to 0 and x minus y minus 1 is equal to 0. And set the region bounded by these lines and y-axis. Set the region bounded by this line and y-axis. Right? इस region को और जो y-axis से bounded है उस region को हमको सेट करना है. ऑब्वियसली एक ट्रेंगल बनेगा. अब देखिए हम क्या करेंगे कि फिर से इस लाइन को प्लॉट करें हम. नाउ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब चलिए 3x प्लस वाई माइनस 11. 3x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0. और इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11. द सेम लाइन कैन बी रिटन एज. नाउ पुट x इज इक्वल टू 0. जब इसमें x 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा. वी हैव y इज इक्वल टू 11. तो क्या हुआ कि 0 और 11. नाउ दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. नाउ दिस इज 0 एंड 11. ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 11. एंड सेकंड वी पुट y इज इक्वल टू 0. इसमें y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 11 एंड देयरफॉर वी हैव x इज इक्वल टू 11 बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 3.67. तो y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3.67. So this is 1, 2, 3, 4, so 6.67, कहीं यहाँ होगा. So this is 11 by 3, 11 by 3 and 0. ये जो point है, ये हो गया हमारा 11 by 3 and 0. तो देखिए इन दोनों point को हम join करेंगे तो हमको line का equation मिलेगा. Now this will be the line. क्या हो गया 3x plus y minus, you write, this is 3x plus y minus 11 is equal to 0. This line will represent, this line will be 3x plus y minus 11 will be represented as follow. Now, similarly, we should represent second line. So, this is x minus y is equal to 1. देखिए, this is again x minus y. और ये क्या हो जाएगा 1 को इधर ले जाएंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1. सो इस लाइन को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0. जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा. वी हैव y इज इक्वल टू माइनस 1. तो x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस पर हो गया और y क्या है हमारा माइनस 1. नाउ अगर ये स्केल लिए हुए हैं तो ये बहुत हो जाएगा कहीं माइनस 1 हमारा यहाँ होगा. सो दिस इज 0 एंड माइनस 1. This point will be 0 and minus 1. Similarly, if we put y is equal to 0, we have x is equal to, देखिए, y 0 put किए तो क्या हो जाएगा? X is equal to 1. तो y 0 कहाँ होगा? X axis पर और ये हो गया 1. तो ये point मिला हमको. Now this is 1 0. अब इन दोनों point को मिला दीजिए. देखिए, इन दोनों point को मिला दीजिए. हमको क्या मिलेगा ये लाइन मिलेगी. नाउ दिस इज द लाइन. ये लाइन क्या हो गई x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये लाइन रिप्रेजेंट हो रही है और थर्ड क्या दिया है y एक्सिस. नाउ दिस इज द y एक्सिस. दिस इज द y एक्सिस. सो इस रीजन को इसको हमको
सेट करना है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है वी हैव टू सेट दिस रीजन।